हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेट गाड़ी को ओला उबर में किस टाइप से अटैच करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे और ओला उबर में ये गाड़ी अटैच होगी कि नहीं होगी। काफ़ी सारे भाइयों के कॉमेंट रहते हैं कि आसिफ भाई हमें अपनी प्राइवेट गाड़ी को अटैच करते हैं तो हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इसी के ऊपर, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज हमारा जो ब्लॉग है उसको काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट रहे हैं कि आसिफ भाई प्राइवेट गाड़ी है, जब हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो गाड़ी में शो करता है, फील करते हैं सारा कुछ होने के बाद, ये परमिट का ऑप्शंस क्या आता है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज के ब्लॉग के अंदर मिलने वाले हैं आपको। और मैं आपको बता दूँ ओला और उबर के अंदर प्राइवेट गाड़ी और कमर्शियल गाड़ी में कितना ज़्यादा डिफरेंट होता है, क्या ओला उबर में प्राइवेट गाड़ी अटैच होगी। काफ़ी सारे भाई ये बोलते हैं हमारे पास जो प्राइवेट गाड़ी है, जो एजेंट लोग होते हैं वो कुछ पैसे लेके 1500 किसी ने बोले, किसी ने 2000 बोले, ये पैसे लेके गाड़ी अटैच करना ओला उबर में सही है क्या नहीं है। एक भाई ने मुझे बोला कि उबर में मेरी गाड़ी अटैच हो रही है और 1500 से 2000 रुपये समथिंग बोला, पहले 2000 बोला, फिर बोले 1500 में 1500 रुपये में आपकी गाड़ी को अटैच कर दूंगा, जो भी प्राइवेट गाड़ी है वो आप उससे काम कर पाएंगे, क्या उसमें प्राइवेट गाड़ी को लेकर के उबर में चलाना सही है, इस टाइप की भी कमीशन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी गाड़ी होगी, अगर कॉमर्शियल है तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और जो भी फॉर्म होता है फिल करने के लिए, जैसे आप एडमिशन लेने के जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी फॉर्म में होते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस हो या कुछ भी हो। तो जैसे ही सेम आप प्रोसेस है ओला का उबर का, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स फिल करेंगे तो वहाँ पे एक फॉर्म आता है, वहाँ पे आपको फिल करने पड़ते हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट होती है, जिस डॉक्यूमेंट की जिस जगह यहाँ पे डालना होता है। जैसे कि आपको मोबाइल नंबर कैरी करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है तो आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स की बात करना, RC बुक, फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आती है, ड्राइवर का लाइसेंस, पान कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होती हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे भाई जो बोलते हैं ना कि प्राइवेट गाड़ी ओला उबर में क्यों अटैच नहीं होती है, वहाँ पे आपको समसर मकसद क्या होता है ना, जैसे कोई भी कमर्शियल गाड़ी चल रही है ना, वो ओला उबर में जो भी गाड़ी चलती है वो कमर्शियल चलती है, टैक्सी पासिंग, येलो नंबर प्लेट। अगर आपकी कोई भी वाइट नंबर प्लेट की गाड़ी है, अगर आप ओला उबर में फील कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपकी जहाँ पर मिस्टेक होती है ना, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है परमिट को लेकर के। और जब परमिट उसी गाड़ी का बनता है जो गाड़ी कॉमर्शियल होती है, जहाँ पे आप एज देते हैं, येलो नंबर प्लेट की जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो एक बिजनेस करने के लिए होती हैं, और एक वाइट नंबर प्लेट की जो गाड़ी होती है वो पर्सनल में यूज़ करने के लिए होती है। तो पर्सनल गाड़ी यूज़ करना है तो यूज़ करने के लिए होती है, आपको बिजनेस करने के लिए नहीं होती है, ना ही आपको ओला उबर में चलाने के लिए होती है। तो वहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम आती है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वहाँ पर परमिट की। परमिट टैक्स जो बनता है ना RTO से, वो कमर्शियल गाड़ी का ही बनता है, प्राइवेट गाड़ी का कोई परमिट टैक्स नहीं बनता है। यहाँ पर आपकी गाड़ी इसी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, आपकी गाड़ी जो मुझे बोलते हैं ना आप, एरर आ जाता है, यहाँ पे क्या फील करना होता है, वो सब इसी परमिट डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपकी गाड़ी अटैच नहीं होती है। अगर आपकी कोई भी गाड़ी है परमिट प्राइवेट गाड़ी है, अगर आप ओला उबर में उसको ऐड करेंगे तो आपकी गाड़ी उसमें ऐड नहीं होगी, आप ये चीज़ जान लो, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने होते हैं, वहाँ पे एक परमिट का भी एक डॉक्यूमेंट्स कैरी करना होता है। बाइक और ऑटो जो होती है ना, वहाँ पे कोई परमिट नहीं होता है, ऑटो का परमिट होता है, बाइक का कोई परमिट नहीं होता है। इसके लिए दिल्ली में गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा, येलो नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद गाड़ी आपकी रजिस्टर्ड होगी, वो सब चल रहा था ना, वो इसी को लेकर के चल रहा था, जो भी परमिट टैक्स आता है वो इसके थ्रू ही गाड़ियाँ लगती हैं और वो बिजनेस करने के लायक होती हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद। तो आप अगर ओला उबर में कोई भी गाड़ी प्राइवेट गाड़ी लगा के आप सोच रहे हो हम बिजनेस कर लें, तो वो गलत है। दूसरी एक बात कर लो, जो कि प्राइवेट गाड़ी लगा के आप, जो भी एजेंट आपकी गाड़ी लगा रहे हैं, 1500 ले रहे हैं या 2000 ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, वो क्या करते हैं, इसकी टोपी उसके सर। काफ़ी सारे देखे होंगे आप, अपने वीडियो भी देखे होंगे, जो काफ़ी सारे भाइयों की उबर की आईडियाँ हैक हो जाती है ना, वो जो हैक आईडी जो होती है ना, उसी की सर की टोपी इसके सर या उसके सर वो बांध देते हैं। आईडी किसी और की होती है, आपकी गाड़ी का नंबर चेंज हो सकता है, शायद येलो नंबर प्लेट वहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि उबर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि गाड़ी की जो पिक्चर्स होती है उसको अपलोड नहीं करता है, सिर्फ गाड़ी के नंबर डालो और गाड़ी का नंबर डालने के बाद जो भी प्रोसेस वेरिफिकेशन होता है वो सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम पर चेक करके वेरीफाई करता है।
इसके लिए वो नंबर चेंज करते हैं, कुछ भी झोल झाल करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो अगर आप कोई भी एजेंट थ्रू अपनी गाड़ी प्राइवेट को लगा रहे हैं और चला रहे हैं तो इसमें नुकसान आपका ही होने वाला है। अगर कहीं पकड़े जाते हैं तो वो नुकसान होगा, दूसरा अगर कोई केस बनता है तो आप लंबे में जाएंगे, लंबे में जाएंगे तो आपके पैसे खर्च होंगे, जितना कमाओगे नहीं उससे ज़्यादा आपका खर्चा होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर कोई भी प्राइवेट गाड़ी है आपकी तो आप कॉमर्शियल में यूज कर रहे हैं वो आपकी मर्जी है, बाकी आप कॉमर्शियल में यूज नहीं कर सकते। दूसरी एक बात कर लूँ, अगर आपको प्राइवेट गाड़ी से बिजनेस करना है तो इसके लिए मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊँगा, वहाँ पर आप बिंदासली लीगल तरीके से और बिना झंझट के, बिना किसी चीज़ के, बिना परमिट झमेला ये सब करने के बजाय आप जो मुझे बोलते हो कि आसिफ भाई मुझे मतलब ड्राइवर भी नहीं रखना है, ये सब नहीं करना है, सिर्फ मेरी गाड़ी है और मुझे दे देनी है किसी को और मुझे मंथली के पैसे मिलते रहें, तो इसके लिए मैं एक अलग से ब्लॉग बना दूंगा, आप उसको देख लेना। इस ब्लॉग के आगे वाला दूसरा जो ब्लॉग आएगा उसके अंदर आपको प्राइवेट गाड़ी से किस टाइप से पैसे कमाने हैं, कौन सी कंपनियाँ प्राइवेट गाड़ी को अटैच करती हैं और प्राइवेट गाड़ी आपको ना चलानी है, अगर आप चलाना चाहते हैं तो आप कॉमर्शियल करा लीजिए, आपको नहीं चलानी है, गाड़ी आपको दे देनी है और आपको पर मंथली के अच्छे खासे पैसे चाहिए तो वो वाली कंपनी की मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, वो आप देख लेना। यहाँ पर आप दोनों चीज़ें समझ लो, प्राइवेट गाड़ी से ओला उबर में गाड़ी अटैच नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। कॉमर्शियल गाड़ी है ओला उबर में अटैच हो जाएगी, अगर आप कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है, नहीं कर रहे हैं तो भी आपकी मर्जी है, बट लीगल काम लीगल होता है और जो इलीगल काम होता है वो इलीगल होता है, आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे, कहीं भी पकड़े जा सकते हो, वो चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही था, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।